फ्रेंड वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड तो मैं आ गई हूँ नए वीडियो के लेकर के आप लोगों के साथ। तो आप लोग वीडियो बने रहे, देखेंगे जरूर। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लांट दिखाने वाली हूँ जो तेज़ धूप और इतनी गर्मी और लू में भी ख़राब नहीं होते हैं। आप उन्हें तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे फ्रेंड, और बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और चलते भी हैं। आप उनकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को उन्हीं प्लांटों से मिलाने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड ये वो प्लांट है जो तेज़ धूप में भी नहीं ख़राब होते और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये है, मैंने लगाया हुआ है, इसकी अभी 2 ही दिन हुए होंगे इसकी कटिंग लगाई हुई है। ये अजवाइन है, अजवाइन का प्लांट है और मैंने इसकी कटिंग अभी ज़्यादा 2 ही दिन हुए हैं फ्रेंड लगाए इसको। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग इसमें लगाई हुई थी और देखिए तेज़ धूप में भी रखी रहती है फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। एक मैंने इसमें लगाया हुआ है और मैंने एक इसमें लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और बहुत जल्दी लग जाती है फ्रेंड, बिना ही केयर में। वैसे तो मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन जो मैंने कटिंग लगाई है उसी को आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बिना ही केयर में चलती है और एक भी आप लोगों को केयर नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड। बस ऐसे कट किया और लगा दिया मिट्टी में, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर ये फर्न घास की वैरायटी है फ्रेंड, ये भी बहुत तेज़ धूप में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसकी भी ज़्यादा केयर आप लोगों को नहीं करना। जब ये आपका पॉट भर जाए तो इससे आप डिवाइड कर जा सकते हैं और एक से हज़ारों नहीं कई सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये फटुलका है, फटुलका तो छोटी छोटी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है और आसानी से लग जाती है और इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। अभी ये शाम का टाइम हो गया है तो इसलिए इसकी पत्तियाँ शाम के टाइम इस तरह से सिकुड़ जाती हैं, सुबह जैसे ही होता है तो एकदम से तन हो जाती हैं, मतलब खिली खिली हो जाती हैं। तो अभी ये शाम का टाइम है तो इसलिए इसकी पत्तियाँ सिकुड़ चुकी हैं फ्रेंड। और सारे दिन की धूप के बाद मैं आप लोगों को शाम के टाइम अपने पौधे दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट एक से हज़ारों बनने वाला है, बिना केयर में तैयार होने वाला है, पत्तियों से ग्रो हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसके कितने सारे बेबी निकले हुए हैं, आप काउंट नहीं कर पाएंगे किसके कितने सारे बेबी हैं। और देखिए मेरे छोटे छोटे सब प्लास्टिक बोतल यानी कबाड़ में ही सारे प्लांट लगे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी में मदर प्लांट, इसी में डॉलर प्लांट, एक ही साथ दो दो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। दो इधर ग्रो हो गए हैं, मैंने इनको लगाया नहीं अपने आप से भी, ये इनके जो बेबी निकलते हैं ये बेबी पड़ गए हैं। और अपने आप से देखिए इसमें जैसे मैं छत की झाड़ू लगाती हूँ वही कचरा मैं उठा करके इस पॉट में रख देती थी, मैं इसी तरह करती हूँ। जब भी छत की झाड़ू लगाती हूँ तो कोई ना कोई कचरा जैसे मिट्टी और जिन बेबी वगैरह जो भी निकलते हैं तो मैं झाड़ू लगा कर एक पॉट में रख देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ तो जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से बेबी तैयार हो चुके हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं बहुत सारे बेबी इसमें से निकल चुके हैं। ये देख लीजिए बहुत सारे हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे इसमें से निकल चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इसके भी आप हज़ारों नहीं लाखों प्लांट बना सकते हैं, इसके इतने सारे बेबी निकलते हैं। और फिर इधर देखिए ये रियो प्लांट की जो रेड पत्ती वाला, देखिए कितना खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इसको भी मैंने इस पॉट में लगा के रखा है, बोतल में ही लगा के रखा है और आप देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो चुका है, बोतल पूरी भर चुकी है। और ये जितने भी प्लांट आप लोगों को मैंने दिखाया सारे ही बोतल में लगे हुए हैं और सब बोतल में ही लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है कि जिसको मैंने अच्छा सा कोई पॉट दिया हो या बहुत अच्छे से कोई इनको सजाया संवारा हो, सब बोतल में ही लगे दिख रहे हैं आप लोगों को और सब कबाड़ में ही मैं लगा देती हूँ। ऐसे बोतलों में मेरे सारे प्लांट लगे चल रहे हैं, हालांकि इसमें मैंने पेंट नहीं किया हुआ है, अभी करूँगी। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं लगा देती हूँ और देखिए इतने अच्छे से तैयार हो जाते हैं ये प्लांट। तो ये प्लांट धूप में आसानी से चलते हैं, मेरे पास ऐसे नहीं है फटुलका के, मेरे पास बहुत सारे वैरायटी है और बहुत सारे प्लांट मैंने इसके बना के रखे सारे रखे हुए हैं, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को एक एक पीस कि आप लोग देख सकते हैं और इनको लगा लीजिए, इनको वे झिझक लगाइए, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं और पत्तियों से ग्रो हो जाते हैं। जो प्लांट पत्तियों से ग्रो हो जाते हैं वही दिखा रही हूँ, जो पत्तियाँ और कटिंग ऐसे लग जाती हैं वही प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड देखिए धूप में भी जेट प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, उसको भी आप लोगों को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जेड प्लांट को देखिए। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कटिंग इसमें रख दी थी और ये छोटे से कुल्लड़ में एक मुट्ठी मिट्टी में भी जेड प्लांट मेरा अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने जेड प्लांट ये लगा के रखा है, ये लगा हुआ है, ये छोटे से गिलास में मैंने इसका बोनसाई बनाया, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये रखा हुआ है, ये बन रहा है,
तो ये देखिए छोटा सा ट्री मैं इस ग्लास में बना रही हूँ। तो इस तरह से आप जेट प्लांट को बना सकते हैं, लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने पटुलका का जो है टावर बनाया हुआ था वो लगा हुआ है। यहाँ देखिए छोटे छोटे से ये इस बोतल में मैं ये मदर प्लांट है, ये कैक्टस वैरायटी है, देखिए छोटे छोटे से ये नारियल के उसमें से मदर प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में मैं लगा देती हूँ प्लांट और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए मदर प्लांट एक मुट्ठी मिट्टी में लगा हुआ है और आप मदर ये डॉरल प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ऐसे मैं इन प्लांटों को बोती नहीं हूँ, ये प्लांट को ना मैं लगाती हूँ, ये प्लांट को ये अपने आप से गिर जाते हैं जिस पॉट में, तो हो जाते हैं, तो फिर मैं उखाड़ के नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि प्लांट है, प्लांट को कभी उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर मैं उखाड़ के नहीं फेंकती हूँ, वो उसी पॉट में लगे रहते हैं। और देखिए अभी ये साथ में हो गया है, तो मैंने इसको भी नहीं उखाड़ा है और इसी के साथ में एडजस्ट है और ये इसी के साथ में रहेगा। बस हाँ, मेरे पास गमले ज़्यादा हो गए तो मैं इनको अलग कर सकती हूँ, लेकिन मैं उखाड़ के फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि हमें प्लांटों से इतना प्यार है कि हम इनको उखाड़ के कैसे फेंक सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको उखाड़ के नहीं फेंक सकती। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को मेरे ये प्लांट कैसे लगे। मेरे मदर प्लांट मेरे पास इतना है कि 10-20 प्लांट से ऊपर ही होगा, इतना ज़्यादा मेरे पास हो चुका है। जब मैंने लिया था तो एक छोटा सा 2 पत्ती का मदर प्लांट लेकर आई थी, आज उससे मेरे पास इतने सारे तैयार हो गए कि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया भी है और मेरे गार्डन में भरा पड़ा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बेझिझक मेरे से ले सकते हैं। ये भी मैंने थोड़ी सी ही 10 रुपये में अजवाइन की कटिंग लाई हुई थी और आज मेरे पास अजवाइन इतनी सारी हो गई है कि कई सारे पॉट मैंने बना लिए हैं अजवाइन के, और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया भी है, अपनी मम्मी के यहाँ भी भेजा है, यहाँ अगल बगल भी दिया है लोगों को। और फ्रेंड देखिए ये चीज़ें होती हैं, बांटने से कभी घटती नहीं है और ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे जो प्लांट है जो बहुत ज़्यादा हो चुके। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बताइए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो जाती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ अपने चैनल पर, लेकिन वीडियो नहीं जा पा रही हैं। बस इसी बात की दिक्कत है कि वीडियो क्यों नहीं जा रही हैं, 100 व्यूज़ नहीं अच्छे से आ रहे हैं। बस यही है कि हम यही सोच लेते हैं हमारी किस्मत ख़राब चल रही है, इस टाइम कोई साथ नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, बस यही है। तो बाय बाय। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। देखिए कितने प्यारे क्यूट से ये प्लांट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड। तो बाय बाय, लव यू माय गार्डन, लव माय फ्रेंड।